हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 9.3। इसमें कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है उसकी 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केसेस। दोस्तों, आपको कोई कॉनकेव मिरर दे रखा है और उस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 15 सेंटीमीटर और उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पे, तो अपने को इमेज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बना देता हूं दोनों मिरर्स। फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपका कॉनकेव मिरर है ये आपका पोल P हो गया, ये F हो गया और ये हो गया C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल P, F और ये होगा फोकल लेंथ और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ठीक है। इसमें आपको दे रखा है इस कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, मतलब 7.5 हो गए। क्लियर हो? ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, मतलब ये 7.5 हो गया तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें यहां पे रखा हुआ 5 सेंटीमीटर ना, तो यहां पे है। ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी, ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मुझे दोस्तों बिना देखे बिना सोल्व किए आप क्या ये बता सकते हो कि इसकी इमेज कहां बनेगी? बोलो। हमेशा याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इसकी इमेज बनेगी फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो इसकी इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। यहां पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगी और लेकिन यहां पे साइज स्मॉल बनेगी कंपेरिजन टू ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, सी पे आ गया, तो सेम साइज की इमेज बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बनेगी और सी पे ही बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो एफ पे बनेगी, अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में है तो सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा है तो सी पे ही बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो कंफर्म है इसकी इमेज सी से इस साइड में बनेगी और लार्जर बनेगी। क्लियर? बिना देखे पता होना चाहिए कि कहां बनेगी इसकी इमेज। अब फोकस पे आ जाए तो क्या बनती है? इंफिनिटी पे बनी, लार्ज बनती है। और अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो, अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो तो इसकी इमेज इस साइड में बनेगी और लार्जर बनेगी।
तभी तो जब हम घरों में सेविंग मिरर्स होता है, सेविंग मिरर्स में हम यहां पे ऑब्जेक्ट इसके बीच में रखते हैं और वो लार्ज दिखाई देता है। व्हाई वी यूज द इन सेविंग मिरर्स इन कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ही सेविंग करने में क्यों यूज करते बताओ? क्योंकि दोस्तों कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉलर इमेज बनती है, अगर हमें लार्जर देखनी है तो कॉनकेव मिरर ही यूज करेंगे और उसमें हम देखेंगे कहां, इसके और इसके बीच। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ, मिरर के इस साइड में जो भी लेंथ होगी, जो भी डाटा होंगे, वो मैं नेगेटिव में लूंगा, इस साइड वाले लेंगे पॉजिटिव में। तो यू इक्वल टू हो गया -10 सेंटीमीटर। मिरर के इस साइड में जो भी होगा मैं माइनस में लूंगा, इस साइड में होगा जो प्लस में लूंगा। बी यू इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, एफ फोकल लेंथ इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर और वी हमें निकालना है। मिरर फॉर्मूला कहता है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लो, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी याद कर लो, ये प्लस है तो उसमें क्या होगा -v/u। समझ में आ गया? और जो कॉनकेव लेंस और कॉनवेक्स लेंस उसके अंदर याद रखना जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब निकालो फटाफट, v निकालना ना, तो 1/v + 1/-10 = -1/7.5। ठीक है, तो 1/v = इसको उधर भेज दो, 7.5 माइनस का और प्लस का 1/10, तो 1/v = इसमें ले लो 15, 30 कॉमन ले लो, ये हो गया -4 + 3, तो 1/v = -1/30, तो v = आ गया -30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही ले रखे थे ना, तो सेंटीमीटर में। अब देखो इमेज कहां बन रही है, माइनस बन रही है, तो मतलब इस साइड में बनेगी। मैंने बोला था ना कि इस साइड में बनेगी इमेज, ये देखो, और लार्जर और बनेगी, ये कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालो फटाफट, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है -30 और u कितना है -10, तो माइनस माइनस प्लस, m इक्वल टू आ जाएगा 3, माइनस का 3। क्लियर? तो इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, और मैग्निफाइड बन रही है। और अब उसमें भी निकाल दो फटाफट, निकालो इसकी तो इस साइड में बनेगी, तो वैसे भी इसमें निकालो 1/v + u कितना है -5, और इस लिखूं क्या, देखो u = -5 सेंटीमीटर, f = -7.5 सेंटीमीटर, तो -1/7.5, और तो 1/v = -1.7.5 +1/5, तो 1/v = लघुतम ले लो 15, ये होगा -2, ये होगा 3, तो 1/v = 1/15, तो v = 15 सेंटीमीटर। मतलब इसकी इमेज इस साइड में बन रही है, प्लस का मतलब इस साइड में कहीं 15 सेंटीमीटर ऐसे बनेगी, थोड़ी लार्जर बनेगी। ठीक है, और इसका मैग्निफिकेशन m = -15 - 5 सेंटीमीटर, तो m = -1 + ये हो गया 3, तो प्लस m प्लस आ जाए तो वर्चुअल बनेगी, और m = 3 है तो मैग्निफाइड बनेगी। ठीक है, और वर्चुअल में हमेशा सीधी होती है। ठीक है।